हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल रोहित चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ घर बैठे आपके मोबाइल से किस तरह जॉब सर्च कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। और सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिंपली दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में जाके अपना जॉब सर्च इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको ओपन कर लेना है। इस जॉब की मदद से कहीं भी आप कोई भी जॉब यहाँ सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट कंपनी आर यू हायरिंग, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है इस एप्लीकेशन से। ठीक है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। सिंपली आपको नीचे मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है फटाफट। मैं यहाँ पे मोबाइल, दोस्तों यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर डाल दिया है। सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है और कुछ यहाँ परमिशन को अलाउ दे देना है, एक्सेस दे देना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा वेट कर लेना है, यहाँ पे हमारा थोड़ा प्रोसेस होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वन टाइम ओटीपी पासवर्ड आएगा लॉगिन के लिए, तो फटाफट हम यहाँ ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे शो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लेट्स गो है, सिंपली उस पर क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पे आपका अपना नाम डालना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। ठीक है, नाम और नीचे आपको सिटी डाल देना है और मेल फीमेल यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे लोकेशन चूज़ कर लेना है, आपका जो भी लोकेशन है यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कौन से एरिया में आप रहते हैं अहमदाबाद में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारी थोड़ी प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे हम टेक फोटो, अपना कैमरा यहाँ चूज़ फोटो पर क्लिक करके हम यहाँ पे सेल्फी भी डाल सकते हैं, जैसे भी कोई भी यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ एग्जांपल के तौर पे कोई भी हमने यहाँ फोटो अपलोड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल फोटो आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, आपका कोई एक्सपीरियंस है कंपनी में। अगर है तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक करके यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल डाल सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन आपको डालना है, 12th पास है या एजुकेशन ग्रेजुएट है या डिप्लोमा है। ठीक है, यहाँ जो भी आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और टाइटल यहाँ जॉब टाइटल डालना है और सिंपली कंपनी नेम यहाँ पे डाल देना है आपको। और ये आप करंट सैलरी कितनी है ये आपको सेटअप कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सारी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इस तरह का प्रोसेस यहाँ पे शो हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी है, इंटरेस्टेड, जो भी आप जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है जिस रोक उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे अकाउंटेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, फाइनेंस। ठीक है, और यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर आईटी वेब डेवलपमेंट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे सेल्स या जो भी आपको दूसरी कैटेगरीज पकड़नी है उसको क्रिएटिविटी। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। वीडियो एडिटर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो, उसके बाद डन कर देना। यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइंड करेगा, आपने यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी कैटेगरी सिलेक्ट की है उस जॉब को यहाँ पे सर्च करेगा और उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो थोड़ा आपको वेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारे, यहाँ देख सकते हैं सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सारी डिटेल यहाँ पे शो हो चुकी है दोस्तों, के किस पोस्ट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में आ जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के लिए कहाँ कहाँ जगह पे पोस्ट और कितनी सैलरी रहेगी, सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर वेब डेवलपिंग और यहाँ किस रिक्वायरमेंट सारी आ जाएगी, और अकाउंटेंट एंड फाइनेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब दी गई है। दोस्तों यहाँ किसी भी जॉब को आपको सिंपली अप्लाई करना है तो सिंपली उस जॉब पर यहाँ पे क्लिक करना है, पूरी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाएगी, कंपनी की सारी डिटेल्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल इसमें शो हो जाएगा। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई फॉर जॉब यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख लेना है यहाँ कुछ HR टाइम होता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप रिक्रूटमेंट वहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा और कंपनी आपको सामने से भी कॉल करेंगे। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन होगा यहाँ पे आंसर देना बस, और किसी भी जॉब को जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना सिंपली बहुत। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वाला वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी सारी टेक्निकल वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
press this bell icon.